एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है। वो जो साधु हैं संत हैं महंत हैं उनके लिए ये है कि वीर के वेग को रोकें। और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग काम का वेग वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन बसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं संत हैं महात्मा हैं उनकी दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगी पूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है आहारचर्या दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु संन्यासियों के लिए जो जीवन है दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी है।